हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है, क्या चीना सुबह ही उठ गई थी, उठ के तैयार हो रही है, थोड़ी पैकिंग वैकिंग कर रही है, जो कपड़े पहन के जाएगी फिर वहाँ जाके चेंज भी करेगी, सभी कपड़े लेके जाएंगे क्योंकि फंक्शन जो है, जो भी ये मतलब कर रहे हैं प्रोग्राम, वो रात का ही है। केक वेक कटिंग होगी, फिर रात को ये लोग सब वापसी आ जाएंगे। तो बाकी अब तैयारी कर रही है आराम से, कितनी होती है एक्साइटमेंट, बच्चों को गिफ्ट तैयार कर रही है, इधर उधर कर रही है, कई गिफ्ट्स हैं जो उसने लिए हैं, अपने कपड़े पैक कर रही है, चप्पल पैक कर रही है, कई चीज़ें हैं। तो 5-6 लोग हैं जो जन्मदिन पे आएंगे, जैसे इनके मामा जी का लड़का, मतलब कि जो धीरज साथ में उससे, उसकी वाइफ है, उसका जो बच्चा है नमिश, और मासी का लड़का भी है छोटा, वो भी आ रहा है। तो ये सब जन्मदिन की तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो बस अभी थोड़ी देर में ये निकल, शुभारम्भ हो चुका है, कपड़ों में फंस गया है, पता नहीं क्या। ये फंस नहीं गया, ये कुंडा यहाँ से, मैं तुम्हें अचानक कैप्चर किया, निकल गया। मैंने अचानक कैप्चर किया, मैं देखूंगा ये कर क्या रहे हैं, ताकि लोगों को बताना चाहिए। एक चीज दिखा रही है, ये ना बैग है ना, ये देखो इसका जो ये हुक है, ये यहाँ से खुला होता है ना। अच्छा, तो वो उसकी वो है जाली वाले ड्रेस है। अच्छा, जाली से फट गई, अगर मैं खींच देती तो जाली फट जाती। चाय पी रहा। मैंने अचानक कैप्चर किया। निखिल के लिए गिफ्ट लेके आई, निखिल के गिफ्ट लाई है, ये देखो। वाओ, ये एंगेजमेंट की, दो की निखिल की, इसकी एंगेजमेंट की। हाँ, एक ये गिफ्ट दे रही है, कपड़े दे रही है, पैक्ड है। दिखा दे, कोई बात नहीं, बिल्कुल। मैं ये तेरी चाय पड़ी है, ये मेरी चाय पड़ी है, ये तेरी दवाई पड़ी हुई है, ये मेरी दवाई पड़ी है, ये देखो। मैं तो चाय पीते पीते बोलूँ, कैप्चर करता हूँ तुम्हें। निखिल एंड स्वाति, वेरी गुड। ये वैसे है देखो, जैसा फैमिली चैनल, जैसा हमारा फैमिली चैनल है, थ्रेड का, थ्रेड का। हाँ, निखिल एंड स्वाति, बहुत सुंदर है, कितनी प्यारी डिजाइनिंग है, पास से दिखाओ, बहुत ही बिल्कुल देख लो, शक्ल पूरी क्लियर नजर, क्लियर नजर, दूर से पता चल रहा है निखिल और ये चीना, कई बार नहीं क्लियर आती है ना। चीना तो क्लियर हो गया, अब तो मेरे को तेरा चेहरा साफ हो गया, इधर जाए उधर जाए एक ही बात है, उधर भी मैं नहीं जाने बाद में, सही बात है। हाँ, तो तू दे देगी बाद में, अभी लगा भी सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं, कोई लगा है ना, नहीं तो तू शादी के बाद जाके उनकी वॉल पे लगा दियो, एक ऐसा बनवाइयो, फैमिली चैनल है ना, रखूंगी जैसा फैमिली चैनल है वैसा, कोई बात नहीं, होने दो, फिर मैं उससे पहले ही ऑर्डर कर लूंगा, लाख होने के साथ उसको लगाइयो, लाख होने दे, जैसे ही लाख हो गए वैसे ऑर्डर कर दियो, उसके थोड़े टाइम बाद अपना तेरा बटन आएगा, केक काटेंगे उसे उसे लगा देंगे। गाइस, जल्दी से क्वीन स्वाति का जो चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसका जो है लाख जल्दी हो जाए, और जो हमारा बटन है एक यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए मैं लगा दूं, उसके बाद इसको वापस कर, ताकि लगी कुछ हो जाए, हाँ हमारे घर भी लग जाए, उसके बाद इनकी अमानत इनको वापस, जैसी चीना जाएगी उसके बाद इनकी अमानत इनको वापस, ठीक है। ओ, चार्जर रखना है, याद आ गया। बस चीना बिल्कुल तैयार हो चुकी है गाइस, जो आज चीना ने ड्रेस पहनी है बहुत सुंदर, ये ड्रेसिफाई की तरफ से आई है, मुझे अभी इंस्टा पे देखना मम्मा के, मैं उनको टैग करूंगी, बहुत ही अच्छी सी वीडियो बनाने वाली हूँ, बहुत सुंदर लग रही, पीछे दिखा, अच्छा आगे पीछे, ये सही किया इन्होंने, नीचे ये अच्छा है, यहाँ तक तो बंदा शॉर्ट्स भी पहनता है, सुन ले जाइयो शादी के बाद ही पहन सकते, करूंगी क्या मैं, कितने तीन पड़े हैं, व्हाइट पड़ा है, ऐसा ब्लू पड़ा है, और भी है, एक व्हाइट पड़ा हुआ है डेनिम का, एक अच्छा डेनिम पड़ा है जो टीजन मोर की तरफ से आया था, बहुत सारे पड़े, तो शादी पे बुलाई हो टीजन, मैंने तो एंगेजमेंट पे बुलाया था, एंगेजमेंट पे नहीं आया, लगता है उनको नहीं सही लगा होगा कि ऐसे एंगेजमेंट पे आना, हां शादी पे तो फिर गोलू पायरी बुला लेंगे, जिनको बुलाना होगा, सोनिया सेठी, हां भाविका, इन सबको, आज जो तू व्हाइट सूट पहनेगी वो भाविका की तरफ से है ना, व्हाइट कोट सेट है, बहुत अच्छा कोट सेट है, अच्छा बस मुझे लूज ना है, मुझे ये हो रहा है, कोई बात नहीं, आजकल लूज चल रहे थे, को पता है कंचन मासी कह रही थी आजकल जो कपड़े चल रहे हैं लूज चल रहे हैं, टाइट का फैशन खत्म हो चुका है, अभी सुबह सुबह मेरी बात हुई है, कह रही दीदी टाइट का फैशन खत्म हो चुका है, क्योंकि कंचन की जो नंद है वो जागरण, शाम के 7 बज चुके हैं, मैं ये सोच रही हूँ कि चलो दुकान पे हो आती है, थोड़ा आधा पौना घंटा दुकान पे बैठती हूँ, मंगल बाजार का भी चक्कर काट के आती हूँ, क्योंकि मंगल बाजार में सब्जियाँ वगैरह लगी होंगी, कुछ लेके आती हूँ, वैसी सब्जियाँ लेके आती हूँ जो बिना प्याज के बन जाए, जैसे भिंडी बन जाएगी, अरबी बन जाएगी, कई सब्जियाँ ऐसी हैं, आज सुबह आलू बनाए हैं, हाँ आलू की सब्जी बनाई है, और टिंडे, मैं टिंडे लेके आई थी, कन्नू है टिंडे नहीं खाता, चीना भी टिंडे नहीं खाती है, तो चीना भी नहीं खाती, बच्चे आपको पता है टिंडे खाते नहीं है, तो पाव ही पाइया टिंडे लेके आई थी मैं, और इन्होंने टिंडे खा लिए थे, आज राधा की बहन आ गई थी, तो आते ही जब मैं आती उसने सबसे पहले आलू उबाले, तो आलू उबालते कन्नू के लिए आलू की सब्जी मंगाई, चीना के लिए बिल्कुल टमाटर के अंदर ही,
तो उसके बाद हमारे लिए टिंडे बनाए, वो भी टमाटर में ही बनने थे। तो बाकी बच्चे कल आए, फिर भिंडी ले आऊँगी, कन्नू भिंडी खाता है, चीना नहीं खाती। मतलब कोई चीज़ कोई खाता है, कोई चीज़ कोई खाता है, बच्चों के लिए देखनी पड़ती है। चीना अरबी खा लेती है, अरबी भिंडी कुछ भी खाएगी, चावल वैसे तो मटर आलू वाले भी चावल खा लेती है, जीरे का तड़का लगा दो साथ में, दो टमाटर डाल दो तो चावल भी बड़े टेस्टी बनते हैं। तो कई कन्नू जो खाता है वो चीना नहीं खाती, चीना खाती कन्नू नहीं खाते। तो बस ऐसे ही है बच्चों, हमें तो जो मिल जाता है हम खा लेते हैं, मगर आजकल हमें मना है क्योंकि हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो हमें आलू वगैरह ये चीज़ें मना है। तो इसलिए मैंने टिंडे बना लिए थे और बच्चों के लिए आलू की सब्ज़ी बना। मैं 7 बजे गई थी शॉप पे, थोड़ी देर शॉप पे बैठी तो हेमा का फ़ोन आ गया कि दीदी आप कमल की दुकान पे आ जाओ, थोड़ी देर बैठते हैं। फिर मैं कमल की दुकान पे चली गई, एक आधा टॉवल लेना था इनका, हैंड टॉवल जो शॉप के लिए चाहिए था, सब्जियां ली काफ़ी सारी, टमाटर लिए, हर सब्जी, टमाटर तो 100 रुपये किलो हो गए गाइस, मगर जो खाने हैं तो खाने हैं, आप टमाटर के दम पर ही सब्जी बनती है। तो 3-4 सब्जियाँ ली मैंने, तो भिंडी ले ली, अरबी ले ली, चलो जो बच्चों को पसंद है, टमाटर ले लिए, और भी 2-4 सब्जियाँ ली है, हाँ छोटे बैंगन भी ले लिए। मैंने कहा चलो भरवा बना लेंगे, आलू नहीं डालेंगे, सिर्फ भरवा बैंगन बना लेंगे। तो सुबह की तो सब्जी पड़ी हुई है अभी, तो बहुत सब्जी महंगी हो गई है। तो बस हेमा के पास मैं होके आई, तो हेमा और हेमा 9:30 बज गए हैं मुझे घर आने में, मतलब अब मैं 9:30 बजे अब मैं आई हूँ, ये शॉप से आ चुके थे, वही कह रहे हैं कि बड़ी देर हो गई तेरी वेट कर रहा हूँ कि तू आई नहीं। तो मैं हेमा के साथ थी, अभी 9:30 बजे अभी घर घुसी हूँ, बस आके खाली सब्जियाँ फ्रिज में रखी हैं और फटाफट पूजा कर लेती हूँ। हे माई सचियाँ जोतां वाली माता जी टोरी सदा ही जय। गाइस ये देखो लक्ष्मी गणेश जी की छोटी छोटी माला, ये मैं लेके आई भी मंगल बाजार से, एक जैसी मजेंटा कलर की, मैं तो छोटी छोटी थी तो भाई खड़ा था माला वाला, तो मैं छोटी छोटी लेके आई इनके लिए, पहले थी वो खराब हो गई थी। लड्डू गोपाल की जय, गोवर्धन लाल की जय, साई राम जी की जय, ओम साई राम। हाँ पूछी भी इनके साथ लगी हुई है खेलने में, आपस में दोनों एक दूसरे के साथ, देखो कैसे पूछी ला रही है गाइस, पूछी। और कोको वहां पर बैठी है उस कमरे में, क्या खाना है, कल ही बैठी हुई है, स्ट्रीक मार रही है, ध्यान दे रहा हूं। कन्नू दे चुका है इसको, भाई ये नहीं क्या उसे बड़े नहीं दे गया, कन्नू दे गया, तो मैं मिर्ची को परेशान करती रात को, वैसे आपको कह रही हूं कि उठा लो, हां उठा लो, भी उठा दूं, अभी चलते हैं, वो बैठ गई, बैठ जा अभी चलते हैं। हां अभी घूम घूम के चलेंगे, आइए वाली शर्ट पहन गए थे, हां क्यों बड़े गोवा गोवा स्टाइल बनाया हुआ है अपने आप को, कन्नू ने तो ये शर्ट ली थी गोवा जाने के लिए, कन्नू ली थी, अब कन्नू पहन नहीं रहा, आप अपने घर में अपना दिल्ली को ही गोवा बना रखा है, कोई बात नहीं, मैं कन्नू ने पहनी, मैं शर्ट पहनूंगी गोवा चला जाऊं, वैसे लोग गोवा घूमने आते हैं, मैं सिर्फ शर्ट के लिए गोवा जाऊंगा। हम गए कहां है, हम गोवा गए कहां है, गए तो यही मैं कर रहा हूं, वैसे टिकटें हमारी बुक थी अच्छी तरह याद है ना, याद आ रहा है, मैं टिकटें बुक सारा कुछ बुक, पता क्या कि वहाँ पे गर्मी होगी जितना होगा, आप सह नहीं कर सकते, आप मतलब बिना एसी के रह नहीं सकते वहाँ, तो अंदर हो गए तो एंजॉय होगा, एसी होगा, सब स्विमिंग पूल होगा, हमारी टिकटें हमने कैंसिल कर दी, हम शिर्डी से आगे गोवा जाना था कैंसिल हो गया, पानी होते पता ही होता है, लाल रेत होती, लाल रेत थोड़े पैर सड़ जाएंगे, बिल्कुल लाल हो जाएंगे, वो हो जाएगा ये, वो खुद तो घुमाया और हमारा प्रॉब्लम कैंसिल करा दिया। चलो कोई बात नहीं, पानी ला दूं, पानी, हां पानी। गोलू के घर में 17 तारीख को जागरण है, मैंने आपको बताया ही था गाइस, तो मैं इनको कह रही हूँ कि आप चलो, आपने क्या पहनना है, कन्नू को मैंने बोला तो कन्नू कह रहा देखते हैं, तो ये भी कह रहे हैं देखते हैं, चीना और कह रहा चीना और आप चले जाओ, हर बारी हमें भेज देते हैं दोनों को कि तैयार हो के भाई हम ही लोग चले जाते हैं, ये लोग जाते नहीं है, तो मैं इनको यही कह रही हूँ कि भाई आप भी चलो जागरण पे, कुर्ता पजामा निकाल देती हूँ आपका, कोई कपड़े कपड़े मेरे तो बन गए हैं, चीना के बन गए हैं, आपका भी कुर्ता पजामा एक नया बनवा लेती हूँ, जागरण में जाने देता कोई बात नहीं, एक तो पता क्या टटाक नहीं काम करते, ठीक है, और दूसरी बात कोको पूछी घर में रहेंगे, इनको भी देखना है, दुकान भी देखनी है, अपने टांग भी देखनी है, सब तीनों चीजें देखनी है, और तो ऐसे करना ना, जागरण वाले दिन ही खाली चल आ जाना, हम एक दिन पहले चले जाएंगे, आप पीछे से आ जाना और रात को जागना, अगले दिन सुबह सुबह वापसी आ जाना, तुम चले आओ, मेरा मुश्किल है यार, तो देख हर बार हम कहते हैं आप चलते ही नहीं हमारे साथ, अरे कौन देखेगा पीछे, नहीं मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि चलो 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 चलो, आप चलते ही नहीं हो, अरे सुनो कोको कुछ भी देखना है, दुकान तो चलो कोई बात नहीं, 2 दिन के लिए दुकान की छुट्टी हुई, कोई बात नहीं, जिसे टांग दर्द है, सफर आना जाना करना मुश्किल काम है सारा, तो फिर चीना भी कह रही थी, चीना कह रही थी कि अगर पापा नहीं जाएंगे तो आप भी और मैं भी नहीं चलते, फिर ठीक है हम भी नहीं जाते, तो मैं तुम्हारी मर्जी है, तुम जानो जाओ, बाकी मेरा जाना तो बहुत मुश्किल है, चलो ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, हम देख लेंगे अपना जैसे होगा, तुम चले आओ बाकी मेरा जा दो, कैसे समझ लो, मैं तो नहीं जा सकता, चलो देखते हैं फिर, हम भी नहीं जा रहे, ठीक है तुम्हारी मर्जी।
बस आप पूछी भोंगना नहीं है, गंदी बात होती है। बस आज का ब्लॉग हम गाइज यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल गाइज ये देखो, ये दोनों आपस में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, पता नहीं किस बात पे लड़ झगड़ रही हैं। बस आज का ब्लॉग गाइज यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। जो हमारे इंस्टाग्राम के आईडी है tarunbasra9, अगर उसको भी आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो। और हमारे जो ब्लॉग्स हैं फेसबुक पे भी आते हैं, तो वहाँ भी अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके जल्दी फॉलो करो। मिलते हैं, बाय बाय गाइज। ये लड़ रहे हैं, जरा इनको आपस में छुड़वा लूँ।